कभी लिपटे रहे जेर में अपने कर्म कमाने से, कभी अंडे के मां बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी अंडे के मां बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी जल के अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से। ये कर्म खत्म ना होते हैं बस मौत भली इस जीने से, ये कर्म खत्म ना होते हैं बस मौत भली इस जीने से। ना तू मेरा ना मैं तेरा, मिल माटी में प्यार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। पहले समझने वाली बात यह है कि हम जो भक्ति करते हैं इसका असल मतलब क्या है, हमने कभी गौर से सोचा नहीं इस पे। अपनी अपनी रीतों में फंसे पड़े हैं, ये रीतें फकीरों ने नहीं बनाई, ये बाद में बनी है। हम गए कोटपुतली, वह एक आदमी आया, कहने लगा ये हमारी रीत परंपरा से चली आ रही है। हमने कहा ठीक है, रीत तो परंपरा से चली आ रही है, ये भी सोचो परंपरा से 84 में भी धक्के खा रहे हैं, उसका भी छुटकारा करना है। नहीं, कि रीतों के ठेके लेने हैं, इसलिए करते हैं भक्ति। जब से हम मालिक से बिछड़े पता नहीं कितने युग बीत चुके हैं, कितने सतयुग बीत चुके, कितने त्रेत्य बीत चुके, कितने द्वापर बीत चुके, कितने कलयुग बीत चुके, कई दफ परले हुई, कई दफ महापरले हुई, इसे धक्के खा रहे हैं, छुटकारा नहीं हुआ। इसका मतलब यह, इसके लिए हमने उपाय भी बड़े किए। क्या? किसने जप किए, किसने तप किए, किसने यज्ञ किए, किसने योग किए, किन पुण्य किए, किन दान किए, छुटकारा हुआ? जन्म बंध के बंधन छूटे, शांति आई? विचारना तो यह है जन्म बंध के बंधन कैसे छूटे हैं। असल मतलब यह है कि जन्म बंध के बंधन छूट जाए, भक्ति का मतलब यह है अंदर शांति आ जाए। जो काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहे हैं, देख लो किसको शांति है, अंदर शांति आ जाए। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, सोच लो 60,000 साल मन ने मार दिया। श्री ऋषि ने 88,000 साल तप किया, पौनहारी बना, दरख्त एक दफा जीव मारता था पानी पी लेता था। हम तो कहेंगे उसने मन काबू कर लिया, फिर मन ने मार दिया। प्राचर्य जी पूर्व ने उपयोग कराए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त की, मन ने मार दिया, मछुद्री पे मारे गए, मच्छंदर इस देह से निकल जाता था। आत्मा तीन शरीरों में कैद है, पहले कारण शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर यह स्थूल शरीर है जो हम देख रहे हैं। इतनी शक्ति थी कि इस देह से निकल जाता था, फिर भी मन ने ख्याल किया, विषय भोगें, राजपाट करें, किसी राज्य का देहांत हुआ, अपनी रूह को इस जिस्म से निकाल कर उसके जिस्म में प्रवेश करके विषय भोगें, राजपाट किया। सोचो यहां तक तो आया, अरे संभालने वाला तो कोई ना मिला, देख लो मारा गया ना मारा गया, यही कर रहा है। 84 तो खत्म ना हुई, किसलिए भक्ति करते हैं, कि पता नहीं कितनी दफा इस दुनिया में आए हैं, कितनी दफा गए हैं यहां से। फिर पुराने हर जीवन में बाल बच्चे हुए, हर जीवन में कौम मजम के ठेके लिए, वो भूल गए, अब नए खड़े हैं, कल मर जाएंगे फिर ये भी भूल जाएंगे, फिर इसी तरह धक्के खा रहे हैं। फिर पैदाइश के 4 जरिए हैं, कौन से? अंडज, जेरज, से तज, उत्पच। एक वो जीव है जो अंडों से पैदा होते हैं, अभी अंडा गिरता है, आप क्या करते हैं? तो जब साफ करते हैं, धोते हैं, लेपते हैं, जब अंडों में लिपटे पड़े थे उस वक्त क्या हाल था, आइंदा के लिए क्या सोचा है? अभी बच्चा पैदा होता है,
आदमी का, पशु का, उसके इर्द गिर्द जहर है, उस जहर को क्या करते हैं आप? खड्डों में दबाते हैं, ऊपर कांटे रखते हैं, सोच लो फिर मिट्टी डालते हैं, क्यों करते हैं सर? कोई जहरीली चीज आए, कुत्ता खाएगा पागल होगा, किसको काटेगा पागल करेगा। जब जेल में लिपटे पड़े थे उस वक्त क्या हाल था? आइंदे के लिए क्या सोचा है? नहीं तो फिर लिपटना पड़ेगा। सेतज क्या पसीने से पैदा होते हैं, जैसे जुए या मौसम की तब्दीली से, दीर बूटियां वगैरह। सोचो अभी जरा सा पसीना आता है, खूब साबुन से नहाता है। जब जुए बड़े पड़े थे उस वक्त क्या हाल था? सोचो, देख लो उत्पज क्या, घास फूस वगैरह रखते हैं, किस तरह हम काटते हैं इनको, कैसे पाँव में रोनते हैं बूटों को, जमीन से जो पैदा होते हैं, हमारी जैसी रुए हैं, फिर इसी तरह हाल होगा? सोचना तो ये, इसका बचाव क्या है? हाँ हाँ जी अच्छे कर्म किए, कई कर अच्छे कर्म किए जाओ भाई, अच्छे कर्म किए, अच्छी जून में चला गया, ज्यादा स्वर्गों में चला गया, स्वर्गों में सुख हो गए, फिर चुरासी तैयार है, छुटकारा तो ना हुआ। हाँ ईश्वर ने लिखा अच्छे बुरे कर्म दोनों ही हथकड़ी हैं, एक लोहे की समझ लो, एक सोने की समझ लो, किसको फर्स्ट क्लास जेल मिल गई, किसको सेकंड क्लास मिल गई, किसको थर्ड क्लास मिल गई, रहा तो जेली का जेली। हाँ हाँ जी कभी कभी लिपटे रहे जहर में अपने कर्म कमाने से, कभी अंडे के मां बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी अंडे के मां बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी जल के अंदर डूब रहे और जल पीने से, ये कर्म खत्म ना होते हैं, बस मौत भली इस जीने से, ये कर्म खत्म ना होते हैं, बस मौत भली इस जीने से, ना तू मेरा ना मैं तेरा, मिल माटी में प्यार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए, लक्ष्य राशि खत्म हुई ना बीत तलप जुग चार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। कभी कभी राजा रंक बने, कभी जोगी बन के जो गलिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोगी बन के सो गलिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोगी बन के सो गलिया, कभी दुख सुख कभी ऐशो इशरत, कभी रोगी बन के रोग लिया, हम आए थे भोग भोगने, हमें ही भोगों ने भोग लिया, हम आए थे भोग भोगने, हमें ही भोगों ने भोग लिया। कल बादशाह बने कहते हैं ना, तपो राज राजो नरक, तब किए राजे बन गए, फिर विषय भोग गए, फिर नरकों में गए। सोचो इसे धक्के खा रहे हैं, छुटकारा ना हुआ, सवाल तो छुटकारे का है, जन्म के बंधन छुड़ाने का है। इसने सारे ठेके लिए, बाल बच्चों के लिए, जमीनों के लिए, उदों के लिए, देशों के लिए, कौमों के लिए, पर जन्म के बंधन छुड़ाने का किसी ने ना लिया। देख लो इसका ख्याल ही नहीं किसी को। हाँ हाँ जी, कोई विरला करता है। हाँ जी, अगर फकीर आए किसकी सुनने नहीं दी, काल ने
इधर शब्द आता है ना, इधर एक दिन घोकड़ा सिरे तीन लोक और 14 भगने से घोकड़ का राज सबको खा गया। इसने किसी की सुनने नहीं दी। दादू साहब आए तो हुक्का मार मार के चले गए, किसी ने ना सुनी। कहते हैं दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी, पंडित काजी वेद कतेबे पट पट मुए लवारी, वह तीर्थ वह हज को जाते बूढ़े भगजलधारी, ईसाई सब धोखा खाया पण अंजील बिचारी, हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पछारी, नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे भौजल पारी। कि मैं कहता हूं मैंने नूर जहूर खुदा देखा है, मेरे को सुनता ही नहीं। मैं कहता हूं देखो तुम भी है? कोई कर्मो धर्म में लगा पड़ा है, कोई तीर्थों पे जाता है, कोई हज को जाता है, कोई कहीं कोई पढ़ने पढ़ाने में लगा, मेरी सुनता ही कोई नहीं। हाँ कबीर साहब आए जुला उल्टा ज्ञान चलाता है, यही कहते थे। सबसे कहो पुकार पुकारी कोई नहीं माने नारा नारी, जगत है जुलाहा ज्ञानी, हर हर का कुछ भेद न जानी, नीच जात और भक्त कहाई हर का दर्श कबू न पाई। अब नीच जात कहां गई, अब कबीर कबीर करते हैं। उस वक्त किसी ने सुनी, कहते जपियों को समझाया, तपियों को समझाया, सबको समझाया, आखिरी जीव काल के घर बैठे, किसी ने सुनी नहीं, काल के एजेंटों ने सुनने नहीं दी। हाँ हाँ जी कभी कभी राजा रंक बने, कभी जोगी बन के जोगलिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोगी बन के सोगलिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोगी बन के सोगलिया, कभी दुख सुख कभी अशरत, कभी रोगी बन के रोगलिया। हम आए थे भोग भोगने, हमें ही भोगों ने भोग लिया, हम आए थे भोग भोगने, हमें ही भोगों ने भोग लिया। 84 के फेरे में कभी यार रे कभी पार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। कभी हार गए कभी पार गए, क्या मतलब? इधर आते हैं ना तमाशा दिखाने, बच्चों को खिलाते हैं हंडोला, क्या कहते हैं ऐसे चक्कर चक्र चुंडा या हंडोला, कभी ऊपर कभी नीचे कभी साइड में, इसी से धक्के खा रहे हैं, कभी स्वर्गों में कभी नरकों में कभी मृत मंडल में, इसे 84 में धक्के खा रहे हैं, छुटकारा ना हुआ। हाँ हाँ जी 84 के फेरे में कभी यार रहे कभी पार गए, ना लक्ष्य राशि खत्म हुई ना बीत कलप जुग चार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। हमने सोचा काम क्रोध को मार गिरा दे अगर दश में ये, मरे नहीं हम मरते रह गए वार वार यस अप जस में ये, मरे नहीं हम मरते रह गए वार वार यस अप जस में, मान बढ़ाई और ईर्ष्या करनी चाही थी वस में ये, हुई नहीं हमारे वस में हम ही हो गए इनके वस में ये, हुई नहीं हमारे वस में हम ही हो गए इनके वस में, इस दुनिया में बड़े बड़े आकार लंबे पैर पसार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। जरा फिर ख्याल किया, विषय भोगते हैं, विषय में फंसे पड़े हैं,
विषयों का पेट भर दें, जितने विषय भोग गए उतनी तृष्णा बढ़ती गई, जितना काम कर रहे हैं विषयों का कर रहे हैं, अपना कोई भी नहीं, या काम का या क्रोध का या लोभ का या मोह का या अहंकार का, सोच लो आत्मा का कौन सा काम कर रहे हैं, या काम का या क्रोध का या लोभ का या मोह का या अहंकार का, और तेजी काम की, बाल बच्चे मोह के, जमीन जायदाद लोभ की, मान बड़े अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के, आत्मा कौन सा काम है। बल्कि हमें पता नहीं, हम जेली हैं, जेली जेल में पड़े हैं, आत्मा को काम क्रोध की हथकड़ियां लगी हुई हैं, जबरदस्त सेवन से काम करवा रहे हैं, पता कोई नहीं किसी को, बाहर जेली है, दो सिपाहियों ने पकड़ा है, वो कहते ये कोठी साफ कर वो करता है, वो कहते ये काम कर वो करता है, वो कहते ये काम कर वो करता है, करना तो नहीं चाहता, सिर पे डंडा वो करवाता है। सोच लो काम कर, चल मेरा काम कर, दीदियों के पीछे भागता फिरता है, जेलों में जाता है, फांसी पे चढ़ता है, क्रोध का तो मार डंडा, ये तो चाहता है ना मारूं, जेलों में जाऊंगा फांसी पे चढ़ूंगा, क्रोध मरवाता ना मरवाता, करो काबू कौन करता है, काम तो ये करना था आकर, बाल बच्चों के मुंह में क्या क्या नहीं करता, मान बड़ियों के लिए क्या नहीं करते, एक दूसरे कत्ल खून, सोच लो लोग के लिए क्या क्या नहीं करता, ये हथकड़ियां तोड़वानी थी आकर, ये आजादी लेनी थी, सोच लो इनका काम कर रहे हैं अपना कौन सा है, या मिट्टी पाड़ी कहते हैं कि अपना काम कर रहे हैं, बाल बच्चों कर रहे हैं, कौम मजमा कर रहे हैं, किसी का नहीं, अपनी मिट्टी पाड़ी, बाल बच्चों की मिट्टी पाड़ी, कौम मजमा की मिट्टी पाड़ी, मिट्टी मिट्टी का क्या, आत्मा का क्या बना, सोचो आत्मा का क्या बना, काम तो ये करना था आखिर, फिर इसके लिए कहते हैं गुरु की जरूरत है, सोच लो कहते हैं ना सबने गुरु किए, सोच लो सबने गुरु किए, आखिर सिंह ने भी किया, प्राचर ने भी किया, मच्छंदर ने भी किया, यहां तक तो आया, आग संभालने वाला तो कोई ना मिला, यहां अनेकों धोखे हैं, वीर साहब ने कहा ये गाया करते थे गुलजारी, रगड़ा है भारी को समझे संत जान, रगड़ मच रही भारी, अजीब रगड़ अंदर इसको पता नहीं, धोखे अंदर, पुनान साहब ने लिखा है बिखड़े दाव है, महात्मा चरणदास कहते हैं गलियारे को फिरते हैं घर घर कंठी देत, और काज उनको नहीं दिव्य कमान हेत, कान फूका गुरु जगत का राम लावन और सो सतगुरु को जानिए मुख दुखावन ठौर, हमें उस गुरु की जरूरत है जो मुक्ति दे, वो कौन सा है, वो सबका एक ही है, बोलेगा यो दारमदारी गुलजारी, गुलजारी है ना, वो नहीं है, अच्छा चलो ये बोल दे, हाँ सुनो भाई यह है मुक्ति का दाता, उसको छोड़े बैठे हैं बाहर कर करके थक गए गुरु, हाँ असली चीज ही छोड़े बैठे हैं, हाँ जी गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है सब एक ही जात है, मानस की जात सब एक की पहचान, वो सब एक ही गुरु है जिसकी जो सबके अंदर काम कर रही है, ये कबीर साहब कह रहे हैं क्या, कौन सा गुरु बाबा मुक्ति का दाता, हाँ गुरु पे गुरु चढ़े पड़े हैं, सोच लो इतने चेले नहीं जितने गुरु हैं, हाँ आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी, आपे दारमदारी आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी, आपे दारमदारी राम नाम की जोत, गगन मंडल का तंबू तनाया, गगन मंडल का तंबू तनाया, धर्म गली चा डारियों, चांद सूरज दो मसाल बना दिया, चांद सूरज दो मसाल बना दिया, तारों की फुलवाड़ियों, आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा
दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, आप बना खुद मालिया, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, आप करे रखवालिया, आप धर्मदारी। ये गुरु है मुक्ति का दाता, धर्मदारी, जिसने चांद सूरज बनाया, धरती आसमान बनाया, हा? पेड़ पेड़ में पानी, सबके अंदर जिंदगी और ताकत दे रहा है। कहाँ रहता है ये वो सतगुर? त्रिलोकी से पार चौथे लोक में रहता है, त्रिलोकी तक काल का राज है। मालिक ने आप ही उसकी स्पुर्ति की है, खंड पाताल दीप सब लोहा सब काले वास आप प्राप्त किया। कहते हैं ना तीन लोक और चौदह हमने इस गोकुल का राज, तुलसी साहब ने लिखा है, सुन हृदय सतगुर सैदानी, सतगुर सत पुरुष को जानी, रहता का है चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वासा। वो सतगुर चौथे लोक में रहता है, ये मुक्ति वाला है, वो खुद ले जाए तो ले जाए, बाकी किसी की ताकत नहीं जा सके। अपाव कितने किए, छुटकारा हुआ। उसका दूसरा रूप क्या है? शब्द, आवाज कह लो, शब्द कह लो। अभी प्राइम मिनिस्टर बोले, एक मिनट में आवाज आ जाएगी, सब जगह फैल जाएगी। वो तो वहां बैठा है, आवाज सब जगह फैल गई, जिन अफसरों से तल्लुक है वो काम करने लग जाएंगे। किसने काम करवाया? उसके हुक्म ने, आवाज ने, शब्द ने। इसलिए मालिक की आवाज सब जगह है, जिसने रचना की है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द है प्रकाश। ये मुसलमान फिर कहते हैं कि सारी दुनिया एक आवाज से पैदा हुई है, उसी से सारा नूर पैदा हुआ है। ईसा ने कहा है, इसीलिए उसका दूसरा रूप क्या हुआ? शब्द, हुक्म। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा, तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु सुधुम चेला। यही कबीर साहब कहते हैं, शब्द गुरु को कीजिए बत गुरु लवार, अपने अपने स्वाद में ठौर ठौर बटमार। पलटू साहब कहते हैं, धुनाने जोगन की सो मेरा गुरुदेव। ये तुलसी साहब ने लिखा है, सुरत शिष्य शब्द गुरु मिल मार्ग जाना हो, अलखा काश ऊंधा कुआं तामे सुर समाना हो। ये जो हम नारा लगाते हैं धन धन सतगुरु का, इस गुरु का है, बाहर का नहीं। ये धन है जिसने सारी रचना की है, चांद सूरज वगैरह बनाए हैं। ये धन है, बाकी कोई धन नहीं। इसी को कहते हैं हम हाजिर नाजिर जिंदा राम। हाजिर नाजिर का क्या मतलब है? जो हर वक्त किसी के साथ रहे, हजूरी में रहे। जिंदा वो ताकत जो फना के दायरे से परे है, मरने जमने से परे है। राम रमेता सुरामा, जो चीज जर्रे जर्रे में रमी हुई है। हम कहते हैं सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साज। हम कहते हैं गुरु दाता है, बाल वाले तो लगी पड़ी है, ले आओ ले आओ ले आओ, सोचो लगी पड़ी है ना, ले आओ ले आओ ले आओ। वो कहते हैं सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साज, मेरा सतगुरु बेमोहताज है, सबके बनाने वाला है। कैसे बेमोहताज है? ये कपड़ा बनाया किसी ने, कैसे बनाया ये? किसने कपास बोई, किसने चुगी, किसने बेली, किसने सूत बनाया, किसने रंग बनाया, किसने बुना, कितने हाथों से निकले, कितने कारीगर लगे, कितने हथियार लगे, सोच लो। ये बेमौता सतगुरु जो फूलों में रंग भरता है, अंदर बैठा काम कर रहा है, हरा रंग अंदर से लाया, पीला अंदर से लाया, देख लो ये मैक है, इस पे कितने कारीगर लगे होंगे, कितनी तारे हैं इसके अंदर, इसके अंदर भी तारे हैं। ये है शब्द गुरु, ये है मुक्ति का दाता, ये है मौत के वक्त काम देने वाला, बाकी कोई काम देने वाला नहीं। जिस वक्त मौत आई, मौत अंदर है, यमदूत अंदर है, सोच लो आत्मा अंदर है, वो रोता है चिल्लाता है, हम पास बैठे कोई मदद कर सकते हैं? उस वक्त धर्म स्थान बाहर, बाहर वाले गुरु बाहर, सोच लो कौन छुड़ाया इस वक्त? ना आत्मा दिखाई देती है, ना यमदूत दिखाई देते हैं, सोच लो कौन छुड़ाया इस वक्त? इसको तो किसी ने खुश ना किया, मंदिरों में गए, पुजारियों खुश किया, गुरुद्वारों में गए, भाइयों खुश किया, मस्जिदों में गए, मौलवियों खुश किया, तीर्थों पर गए, उनको खुश किया, बाहर वाले गुरुओं खुश किया, इसको किसी ने ना किया। ये काम देने वाला है, जैसे फूल में खुशबू है, धरती में पानी है, मेहंदी में रंग है, देख लो लकड़ी में आगे, इसी तरह सबके अंदर आइए। जो निकाले ये काम देने वाला बात कोई नहीं, जिसको राम गुरु कहो, शब्द गुरु कहो, ये काम देने वाला बात कोई नहीं। ना बाहर गुरु हुआ, ना होना मुक्ति का दाता। हमारे परम संत कहा करते थे, तुमने मोया गुरु क्यों किया?
यही गुनासा ने कहा सो गुरु करो जो बहुत न करना ना हो मरे ना हो वे सो गए। तुलसी साहब के पास कीमती बात है समझने की। तुलसी साहब के पास कोई प्रेमी आया, उसने गुरु और चेले के मतलब पूछा तो उन्होंने फरमाया रेवती दास सुनो तुम भाई या की विधि कहूं समझाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला बोले सब में एक अकेला, जो कोई गुरु चेला कर जाना सो सुपड़े नरकी खाना, एक बोल सब नहीं बराजा गुरु चेला द्वैत साजा, एक चेला बन गया गुरु बन गया दुई तो पहले आ गए मल कहां है, चेला हो नीक विद भाई गुरु है चौरासी जाई, चेले का तो फिर भी छुटकारा गुरु का छुटकारा ही नहीं, बोलते अहंकार में भर के मैं गुरु जहांकार वहां मालिक नहीं, सोचो जहांकार वहां मालिक नहीं, देख लो जो फकीर मालिक की दरगाह में गए हैं उन्होंने कभी नहीं कहा हमने गुरु हैं, उन्होंने कहा हमें सेवाधारी जोड़े जाने वाले दास, सोच लो हमारे परम संत कहा करते हैं हमें सेवाधारी जोड़े जाने वाले, गुरु गोविंद सिंह क्या लिखते हैं जो हमको परमेश्वर विचार सुनार कुंड में पर वो को दास तबन का जानो या हमें भेद न रंज पहचानो, कि जिसने आपको गुरु परमेश्वर कहाया वो सीधा नरकों के, मैं तो उसका दास हूं, सोच लो। सोचो अफसर के पास कोई क्लर्क बैठा है या चपरासी बैठा है, उसके सिर पे अफसर है, वो कह सकता है कि मैं ये काम कर सकता हूं, सोच लो चपरासी कह सकता है क्लर्क कह सकता है, उसको डर नहीं, जिसके अंदर मालिक है वो कैसे कह सकता है मैं कुछ हूं, सोच लो उसको तो छुड़ा दिया हाँ? फकीर वो है, सोचो रिश्तेदार वो है जो बीबी का ख्याल अपने पति की तरफ दिलाए, अगर अपनी तरफ दिलाए या किसी और की तरफ दिलाए वो तो रिश्तेदार नहीं, आत्मा का रिश्तेदार वो है जो आत्मा का ख्याल परमात्मा में लगाए अंदर सतगुरु से लगाए, जो मत्था खुद टकाए या कहे यहाँ टेक यहाँ टेक यहाँ टेक, वो तो नहीं सर रिश्तेदार, सोचो उसको तो छुड़ा दिया सबने हाँ, ये धर्मदारी सतगुरु है ये काम देने वाला है हाँ। आप सदगुरु ये मलूदा जी कहते हैं क्या हमारा सदगुरु हाँ, पखंडियों ने तो बात ही छुपा दी हाँ। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, हमारा सतगुरु विरले जाने हमरा सतगुर बिरले जाने, सुई के नाके सुमेर चलावे तो जय रूप बखाने, सुई के नाके सुमेर चलावे अति दीनता का मारेगा मन को मारे, जड़ चेतन गांठ खोल ले ख्याल को पीछे इकट्ठा करे फिर उस गुरु का पता चलता है जैसे मीरा ने किया, क्या कहती है सांखड़ी गली मेरे सतगुरु मिले किस भी फिर उठी सांखड़ी गली में आए तो सतगुरु मिले कैसे मिले फिर सतगुरु का पता चलता है हाँ। हाँ। हमरा सतगुर बिरले जाने, सुई के नाके सुमेर चलावे सो जय रूप बखाने, की तो जाने दास कबीरा की हर नाक्ष पूता, की तो नाम देव ओ नानक की गोरख अवधूता। उन्होंने गुरु को अंदर प्रकट किया, सोचो उनके काम किए ना किए, तुम्हारा गुरु करता है बोलो बाहर का करता कोई, मीरा का काम किया जाय भेजी अमृत बन गया, शाम भेजा हार बन गया, ये है काम देने वाला गुरु, इसको सब छोड़े बैठे हैं, ये राम गुरु ये है शब्द गुरु है? पलाद के थम से निकल के आ गया है? ये काम देने वाला अंदर वाला इसको सब छोड़े बैठे हैं है? की तो जाने दास कबीरा की हर नाक्ष पूता, की तो नाम देव ओ नानक की गोरख अवधूता, हमरे गुरु की अद्भुत लीला ना कछु खाए ना पीवे ना वे सोवे ना वे जागे ना वे मरे ना जीवे, ये गुरु पेट भर भर के खा खा के रात को फराड़े मारते हैं, ये गुरु है हाँ। इसको सब छोड़े बैठे, ये फकीरों ने देखा है उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर तुम्हारा गुरु है उसको पकड़ो, किसी ने ना सुनी हाँ जी हाँ बोल। दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, आप बना खुद मालियो, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, पेड़
चाल है। हाँ, बोल। हाँ जी, घर जा। हाँ जी, इन फरा दे। हाँ हाँ जी, आपे दारम दारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलाड़ी, आपे दारम दारी राम नाम की चौपड़ मंड रही, राम नाम की चौपड़ मंड रही, दो पासा जग सारिया, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, सोनर सुगड़ खिलाड़िया दादी तो सारे हैं। राम नाम की चौपड़ मंड रही, दो पासा जग सारी हो। कैसे दो पासा है, किसको पता है? गा गा के चलेगा बस, सारी रात गाते रहे चलो। ये करंट आ रही है बिजली की, इस करंट से अब बल्ब जला लो सुख ले लो, ट्यूबवेल जला लो सुख ले लो, हीटर चला लो सुख ले लो, पंखे चला लो सुख ले लो, कारखाने चला लो, कोई रुई का, कोई कपड़े का, कोई प्लास्टिक का, कोई जूतियों का, कोई कुछ चला लो, ठीक है? अगर हाथ लगाओ सड़ेगी भी, दोनों काम उसने किए, सुख का भी दुख का भी, सोच लो। इसी तरह राम नाम की करंट सबके अंदर है, वो सबके अंदर रमी हुई ताकत है, इसलिए उसको कहते राम, रिमेता सुरामा जर्रे जर्रे में है। कई दफा आपने देखा होगा, यहां देखते हैं ना, स्विच लगाते हैं, ऑफ हो गया, बिजली बुझ गई, ऑन कर दिया, जल चल पड़ी, ठीक है? कई दफा आपने देखा होगा, किसी ख्याल में बैठे हैं, टांग सो जाती है, वो काम नहीं करती है, उस तरफ ख्याल करो, फिर दबाओ तो काम देने लग जाती है, वहां से करंट निकल गई थी, हुई ना हुई करंट इसके अंदर, उसको हमने कहां लगाया? काम करो, लोगों का पिछली सड़ रहे हैं, किसको शांति है? अगर शीर सीमा संतोष तीरज विवेक दीनता और गरीबी पे लगाए, अंदर शांति आ जाए, फिर जैसे वो कारखाने चलाते हैं, क्या रुई का, कपड़े का, प्लास्टिक का, बगैर करंट के तो नहीं चलता। इस तरह जो भक्ति करो, जो काम करो इस करंट से, जो लो नरकों में जाना है खूब शिव भोगो। कृष्ण भगवान ने लिखा है, जो भूतों की पूजा करता है भूतों के पास जाता है, पितरों की करता है पितरों के पास जाता है, देवी देवता करता है उनके पास जाता है। सोच लो, जो करो तुम अख्तियार वाले हो। अगर हमें ऐसा कोई मैकेनिक मिल जाए जो हमें करंट को पकड़ना सिखाए, हम करंट को पकड़े, जिस तरफ से आ रही है उस तरफ चल पड़े, तो कहां जाएंगे? हेडक्वार्टर में पहुंच जाएंगे। सोच लो, फिर जो मर्जी को वहां। इसी तरह कोई ऐसा फकीर मिले, वो रमी हुई ताकत को पकड़ाए, अंदर जाए, उस करंट को पकड़े, शब्द को पकड़े, ये माल की दरगाह में पहुंच जाए, सुरत शब्द में रखिए, तब पहुंचे दरबार, कहे कबीरता देखिए बैठा पुरुष मार, शब्द बिना सुरतांतरी कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। ये गुनान साहब कहते हैं, क्या शब्द मिले तो हार मिले, सेवा पर अवसर था। ये मुसलमान फकीर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अल्लाह की बांग आ रही है, अल्लाह की आवाज आ रही है, बच्चा तुझे ले चलूं, कोई सुनने वाला ही नहीं, यहाँ आए तो सुने, रेडियो में आवाजें हैं ना सारे, कैसे सुनते हैं? स्विच लगा के है तो आवाज यही, आवाज तो यही है, बगैर रेडियो के तो नहीं सुन सकते हैं। इसी तरह ये भी सारे ख्याल निकाले, यहाँ ख्याल को इकट्ठा करे, संखड़ी गली में आए, उस शब्द से तल्लुक पड़े, इसको मल के घर का रास्ता मिल जाए। काम तो ये करना था, कर, इसका नाम है राम नाम की चौपड़ मंड रही, दो पासा जग सारी हो। सोच लो, नरकों में जाना है खूब विषय भोगो, भूत बनना वो पूजा कर लो, पितर बनना वो कर लो, देवी देवते बनना वो कर लो, अगर छुटकारा करना तो ये कर लो, बस जो करो अख्तियार वाले हो। हाँ, इसीलिए जन मन के बंधन छुटा है, छुटे, असली चीज ही नहीं मिली। हाँ हाँ, ये कैसे है? हाँ सुनो, सकल तज गुरु ही से ध्यान ना, ओ बराग। हाँ जी, तो मैं है तेरा राम बरागना, भूल गया तो है धाम।
स्थानों पे जाते ना दुनिया, किसी को मिला? सोचो किसी को मिला, पूछो, बिल्डिंगे देखा है, पानी में नहाया है, हाँ, असली धाम ही भूल गया, कौन सा है वो? हाँ, तो में है तेरा राम बैरागण, भूल गया तो है धाम, घिव जो रहे दूध के भीतर, मत बिन कैसे पावे, फूल माहे जो बास रहते हैं, जतन से तिया लगावे। दूध में घी है, कैसे निकलता है? पहले उसको जाग लगाते हैं, फिर उसको रिटकते हैं, रिटकने से छोटी छोटी डलिया मक्खी की बनने लग जाती है, फिर बड़ी बनने लग जाती है, फिर पेड़ा बन जाता है, लस्सी अलग हो जाती है, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर घी बनता है, ठीक है। इसी तरह वो रमी हुई ताकत इसके अंदर है, इसको कोई ऐसा फकीर मिले जो जाग लगाए, ये सिमरन करे, सिमरन करते करते जैसे वो मक्खन अलग होने लग जाता है, जड़ चेतनी गांठ खुलने लग जाती है, जब ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा हुआ, जड़ से तो अलग टूट गया, यहाँ मन और आत्मा इकट्ठे हैं, फिर मन को भी अलग करे, फिर आत्मा के स्वरूप का पता चलता है, फिर मालिक को देख सकता है, ऐसे नहीं देख सकता। कहते हैं ना जड़ चेतनी गांठ है, पढ़ते तो सारे हैं, किसी ने खोलने का जतन किया, किसी ने सिखाया? कहते शिव नेत्रा, सोचो तीसरी आंख है, दिव्य चक्षु है, किसने खोलने का जतन किया, कैसे देखे मालिक को? हाँ हाँ जी, घिव जो रहे दूध के भीतर, मत बिन कैसे पावे। ये तो पहले यहाँ बंदा पड़ा है, इसने और बांध दिया, वहां बांध दिया, वहां बांध दिया, मत्था टेको वहां बांध दिया, और बांध दिया, बारी बार रख दिया, खोलनी तो यही थी। हाँ, घिव जो रहे दूध के भीतर, मत बिन कैसे पावे, फूल माहे जो बास रहते है, जतन से तिया लगावे, मेहंदी माहे रहे जो लाली, काठ में अग्नि छिपानी, खोदे बिना नहीं कोई पावे, जो धरती में पावे। मेहंदी में रंगा जितना घोटा उतना अच्छा निकलेगा, देख लो लकड़ी में आग जल के निकलती है, धरती में पानी है, कई जगह आप जाओ हमारे पंजाब की तरफ, कई दफा पांच पांच छह छह फुट पे कई जगह पानी मिल जाता है, इधर मारवाड़ में हम जाते हैं कई जगह तीन तीन सौ फुट पे है, चार चार सौ फुट पे है, पांच पांच सौ फुट पे है, है तो सब जगह इसी तरह, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, कर्मी धर्मी है, चाहे कसाई है, सबके अंदर है, जो निकाले खुद दे तो निकाले, कैसे निकले? हाँ हाँ जी, मेहंदी माहे रहे जो लाली, काठ में अग्नि छिपानी, खोदे बिना नहीं कोई पावे, जो धरती में पानी, उख माहे जो कंद रहत है, पेड़ रहे फल माही। देख लो बीज डालते हैं, बीज परवरिश करो, गोड्डी करो, पानी दो, पहले तुलसी निकलाएगी, फिर टहनी बन जाएगी, फिर उससे टहनी निकलाएंगी, फिर पत्ते निकलाएंगे, फिर फूल लगाएंगे, दरख्त बन जाएगा, फिर फल लग जाएगा। इसी तरह आत्मा की परवरिश करे तो ये भी मालिक का बूटा बन जाए। कबीर जाको खोजते पाया सोई ठौर, सोई फिर के तू भी जाको कहता। और देख लो जैसे बीजते दरख्त बन गया, ये आत्मा की परवरिश करे, आत्मा को ठीक इसकी खुराक मिले, ये दरख्त बन जाए, ये भी मालिक का रूप बन जाए। हाँ, ऐसे तो बातों से नहीं बनता। जिसने ज्ञान की किताबें पढ़ी, तेरे अंदर भी ब्रह्म, इसके अंदर भी ब्रह्म, इसके अंदर अहम ब्रह्मास्मि, बस कह लिया। ये कोर्स करे तब डॉक्टर का कोर्स करे तब डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग का करे तब इंजीनियर बने, ये कोर्स करे तो ये बन जाए। हाँ हाँ जी,
उख माहे जो कंद रहती है। पखंडिया गुरु ने सिखाया, फिक्र ना कर, तुम्हें ले जाएंगे बस, ये है। बगैर मेहनत के किसी को नहीं मिला, जिसको मिला अंदर से मिला, तलाश करके मिला अंदर, जड़ चितनी गांठ खोल के मिला है, तीसरी आंख खोल के देख सकता है, ऐसे देख ही नहीं सकता। हाँ जी, तुलसी साहब ने लिखा है, बिन पल चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। वहां ये हाथ पांव काम नहीं देते, ये आंख काम नहीं देते, ये कान काम नहीं देते, अखी बाजो देखना बिन करना सुनना, पैरों बाजो चलना बिन हत्था करना, जीभा बाजो बोलना यूं जीव तुमाना, नानक हुकुम पछाण के तू खसमें मिलना। वो आंख और जो देखने वाली है, ये ईसा ने लिखा है, किन आंखों के होते हुए आप मालिक को देख नहीं सकते, इन कानों के होते हुए उसकी आवाज नहीं सुन सकते, वो कान और हैं, वो कब खोलोगे, वो आंख कब खोलोगे। हाँ, उख माए जो कंद रहती है, पेड़ रहे फल माही, देश देशांतर ढूंढत फिरत है, घट की सुध है नाही। इधर शायद बोलते हैं कबीर साहब का, क्या मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना कंत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, कह कभी सुनो साधो मैं तो विश्वास में। अंदर विश्वास ही नहीं इसको, विश्वास हो तो मेहनत करे अंदर जाए। हाँ जी, भूख माहे जो कंद रहती है, पेड़ रहे फल माही, देश देशांतर ढूंढत फिरत है, घट की सुध है नाही। अगर कबीर साहब ने कहा है कि तेरे अंदर है, ये ईसा कह रहा है। हाँ, मालिक ने दुनिया बनाई है, वह सबका मालिक है, वह इंसानी हाथों से बनाए हुए मंदिर मस्जिदों में नहीं बसता। हाफिज साहब कहते हैं, सब मंदिरों और मस्जिदों के फाटकों पर लिख दो कि परमात्मा मनुष्य के हृदय रूपी मंदिर में निवास करता है। हाँ, हृदय रूपी मंदिर में निवास करता है। हाँ, वो कौमों मजहबों से परे है। हाँ जी, और वह मजहबों और फिरकों से बहुत दूर है। दूर है। हाँ, काम तो इसने ये करना था। हाँ जी, ऐसे झगड़ों में पड़ गए तूने, मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा है, हिंदू हिंदू से लड़ रहा है, सिख सिख से लड़ रहा है, ईसाई ईसाई से लड़ रहा है, क्यों असलियत से बेखबर है। हाफिज साहब हुए मुसलमान, फकीर फकीर कामिल हुआ, उसने लिखा है कि अगर हमारे 72 फिर क्या उसमें क्यों लड़ते हैं, के बेचारे माजूर हैं, असलियत से बेखबर हैं, जहां जहां देखो तय तय साचा, बिन बूझे झगड़े जा काचा, देखा किसी ने भी नहीं, वो कहता मैं ठीक, वो कहता मैं ठीक, मन बुद्धि के ज्ञान ने मिट्टी प्लीत कर दी सबकी। हाँ, ज्ञान तो इसका नाम है, जैसे मीरा ने कहा है, क्या सांखड़ी गली मेरे सतगुरु मिले, किस भी फिर पुट्ठी, इसका नाम ज्ञान है, ज्ञान इसका नाम है, जैसे उसने कहा है, पाए रे मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद समायो, जिसकी चोरी कबू ना हो ऐसा धन मैंने पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं हुए दिन दिन वर्ष पायो, इसका नाम ज्ञान है, बाहर का ज्ञान क्या करेगा। शंकराचार्य ने लिखा है, वेदों का अर्थ करके जो धर्म की पालना नहीं करता, जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ, वो पशु से बढ़कर पशु है। हाँ, हाँ जी, चलो बस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो कड़ी तो रह गई इसलिए अविनाशी। हाँ जी, कर लेंगे उधर है, परे उख माए जो कंद रहत है, पेड़ रहे फल माही, देश देशांतर ढूंढत फिरत है, घट की सुध है नाही, पूर्ण ब्रह्म रहे ताही में, क्यों तू फिरे उदासी,
पलटू दास उलट कहता कह तू ही है, तू ही है अविनाशी। सोचो डॉक्टर कोर्स कर ले डॉक्टर बन गया, इंजीनियर कर ले वो बन गया, जो करे जो ब्रह्म का करे वो बन जाए, सतपुरुष का करे वो बन जाए, जो करे। हाँ हाँ जी हाँ जी। राम नाम की चौपड़ मंडराई, राम नाम की चौपड़ मंडराई, दो पासा जग सारी ओ, जिनका जीवड़ाया जीत घर, जिनका जीवड़ाया जीत घर, सोनर सुगड़ खिलाड़ी ओ, आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलाड़ी ओ, आपे दारमदारी। सत का चीर बेगम का चोला, सत का चीर बेगम का चोला, जिनकी सुन अटारी ओ, जिन पर सतगुरु राजी हो जाए, जिन पर सतगुरु राजी हो जाए। पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार, साहिब चौकीदार बना लिया, हमें बनाना नहीं आता। नामदेव ने छपरी बनवाई, तन्ने गंगे चुराई, सोच लो देख लो, प्रहलाद का आ गया निकल के, हमें आया नहीं वो ढंग, वो चीज नहीं मिली। हाँ हाँ। पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार, साहिब चौकीदार मगन होए सोवन लागे, दोनों पाँव पसार देख के दुश्मन भागे, जाके सिर पर राम कहता मैं मस्त बैठा हूँ, दुश्मन आपे भाग जाते, वो आपे काम करे। जाके सिर पर दुनिया के फकीर हैं, वो दुनिया के आसरे काम करते हैं, दुनियादारों के, जो मालिक के फकीर है वो मालिक के आसरे काम करते हैं। सोचो जो मालिक के फकीर हैं वो मालिक के आसरे काम करते हैं। कैसे? सुदामा गया कृष्ण भगवान के पास, बोला कुछ नहीं, वो जानते थे, उसका महल बना दिया, पता चला। सोच लो अगर फूलों में रंग मार सकता फकीर को नहीं दे सकता। ये गवर्नमेंट है, अफसरों को कोठी बना के देती है, दफ्तर बना के देती है, मेज कुर्सियां देती है, नौकर चाकर देती है, तनख्वाहें देती है, वो कंगाल गवर्नमेंट है। जो उसके फकीर है उसके वो काम करता है, सोई संत जो पावे ना संत गोविंद के एक ही काम। हाँ देख लो, वो कहता मैंने साहब को चौकीदार बना लिया। हाँ जी, ये जितनी जितनी भक्ति करे, जैसे विद्या पढ़ता है ना, ये दो जमात पढ़ गया उतना काम ले ले, चार पढ़ा उतना ले ले, आठ पढ़ा उतना ले ले, दस पढ़ा उतना ले ले, सोच लो एमए पढ़ा उतना ले ले। इसी तरह जैसे भक्ति अगर ठीक हो, जितनी जितनी भक्ति करता वो भी इसके अंदर काम करने लग जाता, बसने लग जाता है, जो भक्ति की त्यो तेरा अनुवास। हाँ जी, जाके सिर पर राम सहे को बार न बाके, गाफिल में मैं रहो अपनी आप ताके। कबीर साहब के खिलाफ है, पंडित और मौलवी ने इश्तहार निकाल दिए कि उसके भंडारे उसको बदनाम करने के लिए,
आजकल तो रिकॉर्ड भी छपे पड़े हैं। क्या कि पकड़ो पकड़ो कबीर को, ना हिंदुओं की शरीयत को मानता है ना मुसलमानों की, चढ़ाओ फांसी। और इश्तिहार निकाल दिया बेचारा, क्या करे, छुप के बैठ गया। मालिक ने ऐसा भंडारा किया, धन कबीर धन कबीर धन कबीर धन कबीर। सोचो उसको खुश करे तो वो सारे काम करता है। हाँ हाँ जी, जाके सिर पर राम साहे को बार न बाके, गाफिल में मैं रहूं अपनी आप ताके, हमको नहीं सोचे सोच सब उनको भारी। बच्चा माँ बाप पे छोड़ देता, माँ बाप को सारे फिक्र पड़ जाते हैं। फकीर जाकर मालिक पे छोड़ दे, उसको सारा फिक्र पड़ जाता है। हाँ। हमको नहीं सोच सोच सब उनको भारी, छिन भर पर न भोर लेते हैं खबर हमारी, लाज चजा दिन राम पर डार दिया सिर भार, पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार, पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। हाँ जी बोल भाई, धर्मदारी। हाँ आपे धर्मदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलाड़ियों, आपे धर्मदारी सत का चीर बेगम का चोला, सत का चीर बेगम का चोला, जिनकी सुन अटारियों, जिन पर सतगुरु राजी हो जाए, जिन पर सतगुरु राजी हो जाए, तिनका जगत भिखारियों, आपे धर्मदारी, आपे धर्मदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलाड़ियों, आपे धर्मदारी। अमरलोक से किया पियाना, अमरलोक से किया पियाना, होए ज्ञान घोड़े असवारियों, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अब के जीत हमारियों, आपे धर्मदारी। ये जीत जीतनी थी, वो खत्म है, फलाना बन गया एमएलए बन गया, वो खत्म एमपी बन गया, वो खत्म मिनिस्टर बन गया, ये जीत जीतनी थी। आकर कहते ये जीत जीतता हूं, अब मालिक ने हुक्म दिया है क्या, अमर लोग से आया हूं संदेशा देने के, चलो अपने घर, घर के दुनिया के ठेके ले लिए, घर जाने का तो लिया ही किसी ने ना, कौमों के ले लिए, मजहबों के ले लिए, सब ठेके ले लिए, पर अपने घर जाने का किसी ने ना लिया, पता निकाल किस वक्त आ जाए। पिछले दिनों की बात है, 6-7 साल की बात है, इधर से हिंदुस्तान के आदमी युगंडा गए, वहाँ जाके बड़े बड़े कोठियाँ बनाई, कारखाने बनाए, अमीर बन गए, एक मिनट में निकाल दिए, क्या पता काल किस वक्त ले जाए। इस जन्म में आकर ये छुटकारे का बंद, ये जीत जीतनी थी, छुटकारे का बंदोबस्त करना था ताकि फिर 84 में ना आना पारे। देख लो जुगों के जुग बीत गए, ऐसे धक्के खा रहे हैं, कभी कीड़े बनते हैं, कभी पतंगे बनते हैं, कभी हाथी बनते हैं, कभी घोड़े बनते हैं, हमें दुख नहीं, हमें ये दुख उठाना पड़ता है।
फकीरों को दुख है, वो मिन्नत करते रहे कर ले सौदा पार लंगन का, आगे आगे हटड़ी बाजार भी नहीं। आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, क्या जरूर से उनको कहने की राजा दाता भी किसी तरह ही कर ले, नाम जाप ले, छुटकारे का बंदोबस्त कर ले। शुरू शुरू की बात है, अभी सच्चा सौदा शुरू हुआ था, थोड़े दिन साल हुए थे, उस वक्त पक्की सड़क नहीं थी, कच्ची थी, साथ नाला जा रहा है खाल पानी का, वो टूट गया। अब सड़क पे आ गया, वो नाली की मिट्टी है, उसमें गाड्ढे फंस गया। उस वक्त बाढ़ थी, गड्ढा फंस गया तो जो माली है चलाने वाला वो डंडे लगाए बैलों के। हमारे परम संत मसान जी ने देखा बाढ़ के ऊपर से बैलों की हालत है, ये डंडे खा रहे हैं, ठंडी सांस भरी, कहने लगे जिस वक्त इनको आदमी की चुनी मिली थी, अगर कदर करते क्यों डंडे खाते, हमें दुख नहीं, देख लो हम नहीं मारते डंडे, कभी सोचा हमारी जैसी रूहें हैं, देख लो अगर भक्ति करते क्यों करते, क्यों ऐसा होता। कबीर गुर की भक्त बिन राजा गद्दा होए, माटी लड़े कुमार की घास न डारे कोए। कबीर गुर की भक्त बिन नार कुकरी होए, गली गली भरमत फिरे टुक न डारे कोए। उज्जल पहने कपड़ा पान सुपारी खाए, कबीर गुर की भक्त बिन बाधा जंपर जाए। ये वक्त आए इसलिए इसको कहते नाना रानी दे। मुसलमान कहते अशरफ मखलूकात, कुरान साहब ने कहा सब दुनिया के सरदार है, इसलिए सरदार है, किसमें जनमन के बंद छुड़ा सकता है, ये काम करना था, ये जीत जीतनी थी आखिर इसने। हाँ अपने घर पहुंचना था, फकीर जो मालिक की दरगाह में जाते हैं उनका तो आने को दिल नहीं करता, मालिक जबरदस्ती उनको भेजता है। गुरु गोविंद सिंह लिखते हैं कि पहले मैं अलग था, जब भक्ति करके मालिक की दरगाह में गया, वहां की खुशी शांति आनंद और प्रेम को देखा, मेरा आने को दिल नहीं करता था। मालिक ने जैसे तैसे समझा के भेजा, भी तेरा काम तो बन गया, जब मर्जी आ जा, मर्जी जा, उनको भी समझा। यही शमशपुरी लिखते हैं क्या, हाँ तुम क्या जानते हो। हाँ समस्त साहिब फरमाते हैं कि क्या हिंदू हुए, मुसलमान हुए, सिख हुए, ईसाई, सब फकीरों की एक ही तालीम है, असली जो माल की दरगाह में गए हैं। ऐसे दुनिया झगड़े में बड़ी तालीम छोड़े बैठी है। हाँ तुम क्या जानो हम कैसे मुर्ग हैं, अंदर ही अंदर हर लम्हा हर पल हम क्या इच्छा रखते हैं, बाहर से देखने में चाहे हम इस दुनिया में फकीर मालूम देते हैं, हमारी बड़ाई अंदर जाकर देखो कि हम कैसे बादशाह हैं। एक भी साहब ने कहा नाम रतन धन मुझ में खान खुली कटमाए, खान सीत मीती दे तू कहा कोई ना है, मुफ्त देता हूँ को लेने वाला नहीं, जो कर्ज रखता है वो फकीर ही नहीं, फकीर बेकर्ज होकर सेवा करते हैं, अपना हकलाल का कमा के खाते हैं। दादू साहब कहते हैं दादू सात प्री की अंतरात्म देख, मन माई माया रहे आपे आप लेख, उसके अंदर मालिक मालिक है, माया माया लगी पड़ी है। हाँ हाँ जी बाहर से चाहे हम कंगाल मालूम होते हैं, तुम हमारे अंदर झांक कर देखो कि हम कैसे खान हैं, हम खुद खंडों ब्रह्मंडों के बादशाह हैं, हमें क्या गम है। अगर हम आज इस कैद खाने शरीर में कैद हैं तो कब तक रहेंगे, हम सब ही इस जगह मेहमान हैं, हमारा इस जगह इस दुनिया में आना अपने बादशाह के साथ एक इकरार की वजह से है। एक इकरार की वजह से है, वरना मैं रहना नहीं चाहता, इकरार से सिर नहीं फेरता। हाँ। जिसे हाँ। हम निभा रहे हैं। हाँ। जब तक हम इस गुदड़ी शरीर में हैं, हम किसी को नाराज नहीं करते। हाँ। फकीर दीनता से गुजार के गए सबसे। हाँ जी और न ही नाराज होते हैं, फिर दोस्त सचखंड की तरह हम पूर्ण नूर प्रकाशमान हैं, हम प्रसन्न हैं, खुश दिल हैं और खुश खलक हैं। सोच लो यही गुरु किसी ने लिखा है, यही कबीर ने लिखा है, भी अमर लोग से प्याना लेकर आया हूँ, पैगाम लेकर आया हूँ, चलो अपने देश खुशी और शांति का, पढ़ते तो रोज हैं, मेरे मोह से जाने साधो ऐसा देश हमारा, वेद के तेज पार निपावत कहन सुन से न्यारा, किंगरे बज लिए हैं, मुरलियां बज रही हैं, बीन बज रहे हैं, वो कब देखोगे देश, वो हमारा देश है। हम कहते हैं अपने घर में सुख है,
कहते हैं ना, वो घर है वहां सुख है पर कहीं सुख नहीं, त्रिलोकी के दायरे तक सुख नहीं। जब तक वहां नहीं पहुंचती आत्मा इसको सुख नहीं। को पीहा जाए पुकारे पंछी नागे रोए, तीन लोग फिर आए हूँ बिंदु कोए, स्वर्ग स्वर्ग तो सब कहते हैं, इसको पता है स्वर्ग में क्या हाल है। पढ़ के देखो विशिष्ट लोग क्या लिखते हैं, पढ़ भाई। वहां कौन सी शांति है? हाँ, शांति का देश वो चौथा लोक है, सतलोक कह लो, अमरलोक कह लो, जहां से रूह आई है। हाँ जी, हर जीव अपने किए गए अच्छे कर्मों के अनुसार सुख व भोग भोगता है, और ये भोग और सुख ये विशिष्ट में लिखा है। हाँ, हाँ। और ये भोग और सुख इस संसार से हजारों गुना अधिक हैं। जिन लोगों ने बहुत उत्तम पुण्य किए हैं उनको उत्तम सुख मिलते हैं, जिन्होंने मध्यम पुण्य किए हैं उनको मध्यम सुख व भोग मिलते हैं, जो कनिष्ठ पुण्य वाले हैं वह कनिष्ठ सुख और भोग पाते हैं। वहां के भोगों की म्याद इस दुनिया के भोगों के अनुपात में अधिक है, लेकिन वहां पर भी काम क्रोध व ईर्ष्या द्वेष मौजूद हैं। वहां पर भी काम क्रोध ईर्ष्या वगैरह मौजूद हैं। एक दूसरे देख लो, एक दूसरे को श्राप देते रहे ना। हाँ, हाँ जी। जो अपने से ऊंचे बैठे नजर आते हैं वह उत्तम सुख भोगते हैं, उनको देखकर जलन उत्पन्न होती है, उनकी श्रेष्ठता सहन नहीं होती। हाँ। जो अपने समान हैं और अपने बराबर बैठे हैं उनको देखकर क्रोध उत्पन्न होता है कि मेरे बराबर क्यों बैठा है, और जो अपने से नीचे बैठे हैं उनको देखकर अभिमान पैदा होता है कि मैं इतना श्रेष्ठ हूँ। जब किए गए उनके फल का भुगतान हो जाता है तो एक क्षण भी वहाँ रहने एक क्षण भी वहाँ रहने नहीं देते। बस भाई तेरी मियाद खत्म, चल। कृष्ण ने लिखा है उदो, ये जो कीड़ा जा रहा है ये कहता सुरमुख राजा इंद्र बना, कहीं शिष्य का कर्ता ब्रह्म बना, आज ये कीड़ा है, फिर चल भाई। हाँ, हाँ जी। और उसे मृत लोक में गिरा देते हैं। कबीर ने तो होका दिया, कैसा देश है वो, किसी ने त्वार ना किया, एक रविदास ने किया, तजर्बा किया। क्या कहता है फिर वो, बेगमपुरा शहर को ना दुख दो नहीं कोई ठाव, ना तस्वीर ना खराज ना माल, खौफ ना खतर ना तर जवाल, अब मैं खूब वतन गए पाई वहां खैर सदा मेरे भाई। कि उस देश का नाम बेगमपुरा, वहां कोई काम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टैक्स नहीं, ना कोई गुनाह करता ना गुनाह की सजा है, मैं खूब तसल्ली करके हूँ, खैर ही खैर है, सुखी सुख है, नंदी नंदा प्रेमी प्रेम है, वो देश हमारा है। वहां जाना था इसने, ये काम करना था इस इंसानी जिंदगी में, नहीं ऐसे बर्बाद किया, खा पी कर सोच लो बाल बच्चे करके तो जानवर भी गए, इसने क्या उठाया फायदा। हाँ, हाँ जी। अमरलोक से किया प्याना, अमरलोक से किया प्याना, होए ज्ञान घोड़े असवारियों, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अब के जीत हमारी ओ, आपे धर्मदारी, आपे धर्मदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी ओ, आपे धर्मदारी। इसकी भक्ति का क्या फायदा है सोचो, धर्मदारी ये है छुड़ाने वाला मौत के बाद। आम दुनिया को मरते देखो, रोते हैं, चिल्लाते हैं, टट्टी पेशाब निकल जाता है, मार दिया है, काट दिया। कृष्ण ने लिखा उस वक्त इतनी तकलीफ है कि जैसे 1000 बिच्छू इकट्ठा डंक मारे, तुलसी मृतक के समय पीड़ा हो तो पार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे के बाद। मुसलमान किताबों में आया है कि उस वक्त इतनी तकलीफ है जैसे कीकर की झाड़ी लेकर गुदा के रास्ते डाली जाए, मुंह के रास्ते निकाली जाए। हम देखो ये हाल है,
टट्टी शाम निकल जाता, बुरा हाल है ना है। जो इसकी भक्ति करता है उसकी संभाल है, या थोड़ी भी है ना उसका टट्टी शाम निकलेगा, ना उसको तकलीफ होगी। जो पहले को कर्म होगा पहले कटवा लेगा, मौके पर आराम से लेकर जाएगा, ना जमदूत उसके पास आए जाएंगे। अगर आ भी जाए धाड़ के निकाल दे, ना उसका जिस्म जल्दी अकड़ेगा, चेहरा उससे पहले से अच्छा होगा। ये निशानी है प्रेमी की मौत की, ये है संभाल, ये है काम देने वाला सतगुरु जिसको सब छोड़े बैठे हैं। हाँ भक्ति क्या हुई अगर रोते चिल्लाते गए, देख लो बड़े बड़े जपी तपियों को देख लो हाल क्या होता, कैसे मरते हैं। ये धर्मदारी को छोड़े बैठे हैं, ये धर्मदारी काम देने वाला है, ये शब्द गुरु कह लो, धर्मदारी सतगुरु कह लो, राम गुरु कह लो, ये काम देने वाला है, ये संभाल करने वाला है, ये काल से बचाने वाला है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा एक दिन घोगड़ा सिरे तीन लोक और चौदह हमने इस घोगड़ का राज, फिर क्या कहते हैं आखिर में, इस घोगड़ ने संता पकड़े हो करो भजन से काटो, ये दारदारी जपाया उन्होंने, इससे काबू आता है, काल नहीं किसी से काबू नहीं आता। हाँ जी अमर लोक से किया प्याना, अमर लोक से किया प्याना होए ज्ञान घोड़े असवारियो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अब के जीत हमारी ओ आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु आपे खेल खिलारी ओ आपे दारमदारी। धन धन सतगुरु के जोत जगे माई मोरे मंदिर में जोत जगे, सकल उजारा है
कल उदारा है। आप मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गिरजों में जाओ, शिवद्वार में जाओ, आपको दो किस्म की शक्लें मिलेंगी। एक तो गुंबद होगी, दूसरी लंबूतरी शक्ल। सबके अंदर ज्योतें जग रही हैं, सबके अंदर घंटे संग बज रहे हैं। ये क्या है, तुम सोचा है? फकीरों ने अंदर देखा, ये देखा, नमूना बताया, हम नमूने में फंस गए। ये हमारे वास्ते स्कूल बने थे पढ़ाई के, रूहानियत बिल्डिंग द्वारा सेले बन गई, मगर मास्टर नहीं रहे। गुंबद कौन सी है? ये गुंबद है सिर। नमूत्री शक्ल कौन सी है? जो कृष्ण भगवान ने कहा है, नाश करके अगर भाव आए, यहाँ आए, कुदरती ज्योतें जग रही हैं, सबके अंदर घंटे सख बज रहे हैं। उन्होंने नमूने बताया, नमूने फंस गए, वो कब देखोगे? सोचो, वो कहता है मेरे मंदिर में जो जग रही है, बिन दीपक बिन बाती घृत के। सोचो, ये तो कभी तेल खत्म हो गया, कभी दिया टूट गया, कभी बत्ती खत्म हो गई, वो कभी खत्म ही नहीं होती। यही सब कहते हैं, उन्होंने देखा है, जिन जो जो फकीर का है, चाहे हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख, सबने देखी है वो ज्योत, सबके अंदर है वो कब देखोगे? यहाँ तो आप ही बनाई, आप ही मत्था टेक दिया, उसको मत्था कब देखोगे? देखोगे, वो माल की अपनी बनाई हुई है। हाँ हाँ जी, उल्टा ये मंदिर असली, हर मंदिर सूर्य ज्ञान प्रकट होए। ईसा ने कहा है, ये जिस्म माल का मंदिर है। मुसलमान फकीर यही कहते हैं, वो इसके अंदर जाग रही है, क्या कहते हैं ये? हाँ, उल्टा कुआ गगन में, इस ज्योति का सगल उजारा। सोचो, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है, नाम नाम की जो सबके अंदर है वो, अगर उसको प्रिंट कर ले, आदान मत सबका पता चल जाए इसको। हाँ, उल्टा कुआ गगन में, जिसमें जरा चिराग, मुसलमान चिराग जलाते हैं, मर्दांग बजाते हैं, बात एक ही है। हाँ, उल्टा कुआ गगन में, जिसमें जरे चिराग, उल्टा कुआं गगन में, जिसमें जरे चिराग। दिए को उल्टा करके देखो, जगेगे? जैसे बल्ब लटकता नीचे जगता है, इसी तरह कुदरती जग रहा है वो, वहां से करंट आ रही है दुर्गा से। हाँ हाँ जी, जिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, शेरत बारे मास रहते जरत दिन राती। शेरत बारा मास हर वक्त जारी है, हाँ, कभी बुझती नहीं। हाँ जी, हाँ, सतगुरु मिला जो हो ताहे की नजर में आवे, बिन सतगुरु को होए नहीं मां को दर्शावे, निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति माही। वहां से एक आवाज आ रही है, शब्द आ रहा है, वो इसके घर का रास्ता है। वाणी में भी है तंत्र ज्योत, मंत्र वाणी, इसके अंदर ज्योत है, उसमें वाणी है, वो वाणी कब सुनोगे? हाँ, वो ज्योत कब देखोगे? हाँ, निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति, असली चीज छुड़ा दी। जिस वक्त मौत होती है, किसी की वाका होती है ना मौत, उस वक्त क्या करते हैं, किसको ज्योत दिखा दो, ये क्या करेगी, देखने तो वो थी, इनका ख्याल था भी शायद इसमें तलक पड़ जाए। देख लो, बच्चा पैदा होता है ना, उस वक्त क्या कहते हैं, काशी के बर्तन लेकर खड़काते हैं ना, क्यों खड़काते हैं? इसके अंदर घंटे संग बजे, वो मीठी से मीठी आवाज, अभी इसमें फंस जाए,
इसके ख्याल इधर चला जाए, मिलती जुलती है, ऐसी चीज ही छुड़ा दी। हाँ हाँ जी हाँ, निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भाग, तो भागो वाला सुने सोचो। हाँ। पलटू जो एक नान साहब ने काजी रुकदन को कहा था कि तू यहाँ बांगे दे रहा, तेरे अंदर दे रहा अल्लाह, ऊपर खासे महल दे देवे बांग खुदा है, सुते बांग न सुन सके रहा खुदा जगाए, सुती पई न भाग साहब सुने न बांगे कोए, जो जागे सोई सुने साई संधि सोए। हाँ। पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भाग, उल्टा कुआं गगन में किसने जरे चिराग, उल्टा कुआं गगन में किसने जरे चिराग। बोल भाई कोई। हाँ दिन रोग दिन बात की। हाँ जी फिर वो। हाँ हाँ, इस ज्योति का सकल उजारा है, बिन दीपक बिन बाती घिरत के है, बिन दीपक बिन बाती घिरत के है, हाँ झिल मिल जात जगे माई मोरे मंदर में जोत जगे, माई मोरे मंदर में जोत जगे, हाँ मंदिर में जोत जगे माई मोरे मंदिर में जोत जगे। यहाँ आए तो देखे कुदरती जग रही है, इसको कहते हैं जिंदा मरना, यहाँ आने को जड़ चितिन गांठ खोलने को कहते हैं जिंदा मरना। वीर सब फरमाते हैं अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जब जीवित हुआ, जब मैं जिंदा मरा ज्योत को देखा सत्ता के सतलग पड़ा मैं सनातनी बन गया, ये है सनातनी बनना। जब रूस में प्रवेश करती है तो इसकी काफी सफाई हो जाती है, ये श्रेष्ठ बन जाती पाक बनती है, ये आर्य बन जाता है। आर्य का मतलब क्या है? पाक श्रेष्ठ। सोचो ये नामधारी बन जाता है, राम नाम की सबके अंदर है, राम नाम है ज्योत सबाई सबके अंदर है। जब ये ज्योत को देखता है पूर्ण ज्योत जगह कट में तब खालसा था, इन खाल जाने फिर ये खालसा बन जाता है। सोच लो इसी का नाम सच्चा सौदा, और बिल्डिंगों का नाम सच्चा सौदा नहीं, ये तो फना है। सोचो जिन्होंने बनाई वो भी चले गए, बिल्डिंगे कहाँ रहेंगी, काम तो ये करना था। अगर अगर यहाँ आ जाए सनातनी बन जाए, आर्य भी बन जाए, नाम तारी भी बन जाए, राधा स्वामी बन जाए, सच्चे सौदे वाले बन जाए, खालसा बन जाए, नहीं तो पहले डिंगे डिंगे सबके। हाँ हाँ जी इस ज्योति का सकल उजारा है, सकल उजारा है, हाँ देखत दिमार भगे माई मोरे मंदर में जोत जगे, माई मोरे मंदर में जोत जगे। Thank you.
अनहद बाजे बजे कुदरत से रे, अनहद बाजे बजे कुदरत से बिन कर ताल बजे माई मोरे मंदर में जो अनहद बाजे बज रहे हैं बिन करताल बगैर हाथों पांव के, वो कब सुनोगे? ये तो सुने, बल्ला बल्ला बल्ला, बड़ी मस्ती आई, बड़ा अच्छा सत्संग था, बड़ा अच्छा शब्द था, बड़ा प्रेम से गाया। सोचो फिर मस्ती कहाँ गई? सोच लो, बाजा भी फना, गाने वाला भी फना, ये लफ्ज भी फना, इसकी मस्ती फना। अगर वो सुन ले मस्ती उतरे ही ना। अगर वो नाम की मस्ती है, वो नाम का शब्द शब्द कह लो, नाम कह लो, कुदरती राग हो रहा है इसके अंदर। ये एक मुसलमान की कह रहा है, ये पहले है। हाँ, क्या? एक की भंवर गुंजार सी, दूजे गुंगरू होए, तीजे शब्द शंख का, चौथे घंटा होए। हुए ना हुए घंटे शंख अंदर। हाँ, पांचवे ताल जो बाजे, छठे सो मुरली नाथ, सात में वीर जो गाजे, आठवें शब्द मृदंग का, पीरी ताल, दसवें गर्जे सिंध सास, खुसरो यह ताल, दस प्रकार अनहद बजे, जित जोगी हो लीन, इंद्री थकी मनुआ थके, खुसरो ने कह दीन। अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज तज भागे, चोर नगरिया तज तज भागे। कौन से चोर? इसको पता ही नहीं ये काम करो कार है। इसके अंदर अमृत बस रहा है, वो पी रहा है हमारा अमृत, हमारी मिट्टी प्लीत कर रहे हैं, इसको पता कोई नहीं। मालिक ने अमृत इसके लिए रखा है, कार कार में कोल्लू चले अमीर महाराज जाई दादू साहब ने कहा है, कोई पियो। वो पी रहे हैं हमारी मिट्टी प्लीत कर रहे हैं। आपने देखा होगा बाहर अमर बेल है ना दरख्तों पे, उसकी कोई जड़ नहीं, दरख्त से ही ताकत लेती है, दरख्त को ही सुखाती है। ये काम करो लोग हमकार, हमारा अमृत पीकर हमारी मिट्टी पीत कर रहे हैं। कभी काम ने पकड़ लिया, कभी क्रोध ने पकड़ लिया, कभी मोह ने पकड़ लिया, कभी अहंकार ने पकड़ लिया। देख लो, जब यहाँ आया तो उसने देखा घर वाला जाग पड़ा, फिर भागने लग जाते हैं चोर नगर, ये तज तज भागे, ये काबू आ जाते हैं, सब दौड़ने लग जाते हैं। ये तो जाग पड़ा, घर वाले जाग पड़े, चोर भाग जाते हैं ना, ये सोया पड़ा है, इसको होश ही नहीं, फिर ये भी भागने लग जाए, मन भी काबू आ जाए। हाँ हाँ जी, अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज तज भागे, गुरु निजाम की भी दुहाई, खुसरो ने अंतर ले लाई। हाँ, सबके अंदर बाजे बाज रहे हैं, सो दर तेरा क्या, सो कर क्या, जितवे सर संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक संख्या, कितने तेरे बावन हारे, कितने तेरे राग पुलिस कहिए, कितने गावन हारे, कितने गाने वाले, कितने बजाने वाले हैं। गुनान साहब ने लिखा है, ये मुसलमान फकीर ने लिखा है, लेकिन वो राग कल सुन सकते, वो और कान है सुनने वाले, वो खोल लेता सुने। हाँ हाँ जी, अनहद बाजे बजे कुदरत से है, बिन कर ताल बजे, बिन कर ताल बगैर हाथों पांव के। ये गुणासन लिखा है, कर बिन बाजा पग बिन ताला, शब्द बुझे तो सच ने हाला। हाँ Thank you.
अचल राम इस काया मंदिर में है, अचल राम इस काया मंदिर में है। उसने काया मंदिर में देखे कि बाहर सोचो पढ़ पढ़ के चलेगा, गागा के चलेगा, कभी ख्याल किया काया मंदिर में? हाँ, अचल राम इस काया मंदिर में है। ये मंदिर हमने बनाया, ये मालिक ने बनाया, ये सास हमने रखे, इसमें मालिक ने रखे हैं, ये जोते हमने जगाई, इसमें मालिक ने जगा रहा है, वो खुद देखने वाला तो ये मंदिर है, सब कुछ इसके अंदर है, कोई चीज ऐसी नहीं जो ना हो। अब तू अंदर तो नहीं जा रहा, कोई जाने के जाने हारा, या घट भीतर बन और बस्ती यही में झाड़ पहारा, या घट भीतर बाग बगीचा यही में सिंचनारा, या घट भीतर सूरज चंदा यही में नौ लखतारा, या घट भीतर सात समुद्र यही में नदी नारा, या घट भीतर काशी मथुरा यही में गढ़ गिरनारा। वो तीर्थ जिसमें आत्मा की मैल साफ होती वो भी इसके अंदर आया, वो प्राग इसके अंदर आया। जैसे मंदिरों का नमूना ज्योतों का दिखाया, वो भी दिखाया प्राग का, जैसे तीन नदियों का संगम तेरे अंदर है, नमूने नमूने फांक दी सारी दुनिया। ईड़ा पिंगला सुखमना, ईड़ा पिंगला और सुखमना तीन बस इकठाई बैणी संगम ते प्राग मनोरंजन करे थे। उस प्राग में कब नहाओगे? इसमें तो जिस्म साफ हुआ, उसमें जाकर आत्मा साफ होती है, मन साफ होता है। वो अमृतसर इसके अंदर है, का अंदर अमृतसर साचा मन पीवे पास भाई हो। वो मानसरोवर इसके अंदर है, वो मुसलमानों का हौज कौसर इसके अंदर है। हाँ, या घट बीत देवी देवा यही में ठाकुर द्वारा कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, देवी देवी के अंदर दिखाया, वो कब देखोगे? या घट बीत तीन लोग है यही में सृजनारा, कहें कभी सुनो अब्दू यही में गुरु हमारा, वो मुक्ति वाला गुरु भी इसके अंदर है। हाँ हाँ जी, अचल राम इस काया मंदिर में है। ये हमारा मन हमारा दुश्मन है, अंदर जाने नहीं देता, ये कहता बार बार रहे। अब उसका राज है हमारे पे, अगर ये आजाद हो जाए उसका राज जाता है। हम सब मन के बताए थे, मन का कहा छोड़े, फकीरों का कहा माने, तब है मन से लड़ाई करे तब है, तब हासिल कर सकता, ऐसे नहीं। हाँ, इसे लड़ाई में बाहर रखनी, सोच लो मन से लड़ना था, काम क्रोध से लड़ना था। एक दिन एक शब्द गाया करते हैं, साधु भाई बन जो वीर लड़ाका, मन को मार करे सवारी, जीत जाओ मन में मार, जीत जाओ, जीत जाओ युद्ध में, खेलो ज्ञान झड़ाका, काम क्रोध को मारो, ये मारना था, इन लिए लड़ाई करनी थी। हाँ, लड़ाई में बाहर रख ली। हाँ जी, राम इस काया मंदिर में है। हाँ, सब कुछ साज सजे माई मोरे मंदिर में जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे, बात है जो अपनाए फकीर तो हुक्का मार मार के चलेगा, किसी बिरले ने उठाया फायदा। ये क्या लिखते हैं सुनो, मालिक के हुक्म के बगैर कोई जीव सच्चे संतों के पास नहीं जा सकता और सच्ची भक्ति में नहीं लग सकता। संत जोहन्ना लिखते हैं कि हजरत ईसा ने फरमाया कि जीव की अपनी कोई शक्ति नहीं जो मेरे पास आए और मेरे से नाता जोड़कर भक्ति में लग सके। जब तक स्वयं मालिक
जीव पर मेहर न करे। फिर फरमाया कि कोई जीव मेरे पास नहीं आ सकता जब तक वह पिता जिसने मुझे भेजा है उसे प्रेरणा न दे। संत उन्हीं जीवों को चिताते हैं जिनको मालिक उनके हवाले करता है और उन्हीं के लिए मालिक से दुआ करते हैं, आम जीवों के लिए नहीं। बस फैसला है सब फकीरों का, जिसको मालिक बख्शे। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि खोटे या खरे सब जीव उस मालिक ने आप ही पैदा किए हैं और आप ही उनकी परख करने वाला है। आप ही खरे खरे चुन कर अपने खजाने में वापस दाखिल कर लेता है, अन्य सब जीव भ्रम में पड़कर रास्ता भूले फिर रहे हैं और 84 में धक्के खा रहे हैं। बस चलो हो गया भाई, ठीक है। वो कहता हमारे मजहब में है, वो कहता हमारे साधु के पास है, ये दांत मार्ग ने अपने हाथ में रखे, किसी के हाथ जिसको बख्शे। हाँ। जन्म फिर से आना नहीं नहीं है, बिना बंदगी मोक्षी पाना है, बिना बंदगी मोक्षी पाना नहीं है। ये मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है। समा